Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss one of the common diseases that is common in the neonatal babies, that is neonatal sepsis. So aaj hum log neonatal sepsis dekhenge. Neonatal sepsis. इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग. डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? न्यूरोटल सेप्सिस क्या है? एक क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय साइन एंड symptoms suggestive of systemic neonatal infection with or without bacteremia. ठीक है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि कैरेक्टराइज बाय होता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूनेटल इंफेक्शन विथ और विदाउट बैक्टीरेमिया. ये आपका केस हुआ न्यूनेटल सेप्सिस का. न्यूनेटल सेप्सिस होता कितने तरीके का है? तो ये दो तरीके का होता है. ठीक, इसका क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, तो ये दो तरीके का होता है. पहला EOS और दूसरा LOS, मींस अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट सेप्सिस. अर्ली ऑनसेट सेप्सिस जो है यूजुअली अकर विद इन फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ लाइफ. लेट ऑनसेट अकर ड्यूरिंग न्योनेटल पीरियड. ठीक, दो तरीके का होता है न्योनेटल सेप्सिस, ईओएस एलओएस. ईओएस जो है वो फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ लाइफ में होता है और ये आपका न्योनेटल पीरियड के दौरान होता है या बियॉन्ड फर्स्ट वीक. तो एक वीक के बाद अक्सर लेट ऑनसेट सेप्सिस होने का चांसेस होता है. ये दो तरीके का है, इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं ईओएस और एलओएस सेप्सिस के दो क्लासिफिकेशन, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस लेट ऑनसेट सेप्सिस. हम लोग बात कर चुके हैं ये फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ लाइफ के दौरान होता है और ये न्यूनेटल पीरियड या बियॉन्ड वन वीक्स पे होता है. सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग जो देखना जा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल डिराइव फ्रॉम मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस या इकोलाई, है ना. जो ऑर्गेनिज्म जो करवाता है ईओएस वो कहां से आता है? तो वो मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट. ठीक है, वही अगर बात करें हम लोग एलओएस में, इसमें ऑर्गेनिज्म
रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल डिराइव फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ही आता है। मान लीजिए कि इफ अ बेबी स्टेइंग इन अ होम, अगर ये बेबी होम में है स्टे कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड। अगर वो बेबी हॉस्पिटल में है और उसको सेप्सिस हो गया है तो उसको हम लोग कहेंगे नोसोकोमियल। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड में बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म आता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और नोसोकोमियल वगैरह में आपका आ जाएगा ईकोलाई वगैरह, क्लिप्सेला, नोसोकोमियल में क्लिप्सेला वगैरह आ जाएगा। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है। अब आते हैं आगे हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर दोनों के रिस्क फैक्टर में लोग देखेंगे। इसमें एक चीज और है कि यहां पे मेनिनजाइटिस जो है, मेनिनजाइटिस इज मोर कॉमनली सीन इन एलओएस। एलओएस में मेनिनजाइटिस जल्दी ज्यादा दिखता है। तो दोनों क्या हम लोग रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर ईओएस में बात करें तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें देखते हैं। पहला जो है रिस्क फैक्टर वो रिलेटेड है मदर्स पे, मदर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल फाउल स्मेलिंग लाइकर या प्री रप्चर पहला क्या है फॉल स्मेलिंग लाइकर, दूसरा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड डिलीवरी प्रोसेस से भी कुछ रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पर वजाइनम एग्जामिनेशन। सेकंड डिफिकल्ट या प्रोलॉन्ग लेबर, अब आ जाइए कुछ जो रिस्क फैक्टर है वो बेबी पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो बेबी कैसा है। अगर वो लो बर्थ वेट बेबी है उस केस में रिस्क फैक्टर बन जाता है सेप्सिस का, प्री मैच्योरिटी का केस, प्री मैच्योरिटी या लास्ट पेरीनेटल एस्फाइजिया। तो ईओएस का जो रिस्क फैक्टर है वो इन सब पे डिपेंड करता है, मदर पर, डिलीवरी प्रोसेस पर और बेबी पर। मदर के केस में बात करें तो फॉल स्मेलिंग लाइकर अगर हो, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, डिलीवरी प्रोसेस में आए तो मल्टीपल पर बजाय एग्जामिनेशन हो, डिफिकल्ट या प्रोलॉन्ग लेबर हो, और बेबी से रिलेटेड लो बर्थ वेट हो, प्री मैच्योरिटी हो या पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो, तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का। एलओएस में आते हैं तो इसमें दो चीज हम लोग पढ़े हैं, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड, एक नोसोकोमियल। नोसोकोमियल में रिस्क फैक्टर देखते हैं हम लोग,
नोजोकोबियल, नोजोकोबियल के केस में प्री मैच्योरिटी, निकू एडमिशन, इनवेसिव प्रोसेस, इनवेसिव प्रोसीजर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन और यूज ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, ये कुछ फैक्टर्स है नोजोकोबियल का। और कम्युनिटी एक्वायर्ड में अगर बात करें हम लोग, कम्युनिटी एक्वायर्ड में, तो उसमें आपका आएगा पहला पुअर हाइजीन, पुअर हाइजीन, पुअर कॉर्ड केयर, बॉटल फीडिंग, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो लेट ऑनसेट सेप्सिस के अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो दो केसेस हम लोग देख रहे हैं, नोजोकोबियल एक कम्युनिटी एक्वायर्ड। नोजोकोबियल में आपका प्री मैच्योरिटी, निकू एडमिशन, इन्वेसिव प्रोसीजर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, यूज ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, और कम्युनिटी एक्वायर्ड की बात करें तो पुअर हाइजीन, पुअर कॉर्ड केयर, बॉटल फीडिंग, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये कुछ रिस्क फैक्टर बन जाते हैं एलओएस के, ठीक है। अब बात करते हैं नियोनेटल सेप्सिस को प्रिवेंट कैसे किया जाए। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट, अब देखे हैं कुछ प्रिवेंशन कुछ पॉइंट्स पे। तो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग न्यूनेटल सेप्सिस, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हेल्प करेगा प्रिवेंट करने पे न्यूनेटल सेप्सिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करें तो मोस्ट मोस्ट अफेक्टिंग मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन, मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग न्यूनेटल सेप्सिस इज प्रॉपर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग ऑफ केयर गिवर। पहला पॉइंट हम लोग ये देखें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा न्यूनेटल सेप्सिस को रोकने का तरीका ये है कि जो केयर गिवर है, जो बेबी को संभाल रही है, है ना, या उसका केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो हैंड वॉश होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन उसको ना हो। हैंड वॉशिंग करने में हम लोग कितना, हम लोग पहले भी जानते हैं सिक्स स्टेप होता है, स्टेप सिक्स होता है, लगभग लगभग आपको 2 मिनट्स टाइम लग सकता है। स्टेप्स में पहले हम लोग जो स्टेप्स है वो हम लोग कैसे करते हैं, पहले स्टेप इस तरह से, फिर इस तरीके से, उसके बाद नकल्स, फिर थम्स, थम्स के बाद फिर नेल्स, उसके बाद फिर रस्ट। ये है प्रॉपर हैंड वॉशिंग का तरीका। तो प्रिवेंशन में ये दोनों मेथड हम लोग यूज करते हैं।
अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल सेप्सिस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल सेप्सिस, पहला पॉइंट्स। इन अपने इंडिया की बात करें, इन इंडिया अपने देश की बात करें, तो इसमें एसिनोटोबैक्टर इंडिया में बात करें अपने, तो इंडिया में जो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है वो एसिटोनोबैक्टर है, फॉलोड बाय क्लेबसिएला। ठीक है, इंडिया में एसिटोनोबैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, फॉलोड बाय क्लेबसिएला। बात करें इंडियन हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स इन इंडिया, तो आंसर वही रहेगा, एसिटोनोबैक्टर। बात करें हॉस्पिटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें आंसर हो जाएगा ईकोलाई। फिर बात करें अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में, तो उसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। फिर बात करें ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसमें भी आंसर आ जाएगा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में हम लोग ज्यादातर देखा जाता है एसिटोनोबैक्टर, बाद में क्लेबसिएला। हॉस्पिटल्स में इंडिया के हॉस्पिटल्स में, तो वही आंसर रहेगा एसिटोनोबैक्टर। अगर हॉस्पिटल अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें तो इकोलाई का नाम आता है। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का नाम आता है, और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात करें तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ये सारे ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। तो उसमें पहला पुअर फीडिंग, जो हम लोग अर्लीस्ट सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर्स आता है पुअर फीडिंग की वजह से। दूसरा टेम्परेचर डिस्टर्बेंसेस, मतलब उसको हाइपोथर्मिया हो गया, फॉलोड बाय फीवर। हाइपोथर्मिया दिखेगा, थोड़ा फीवर दिखेगा, तो वो क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएगा। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में आपको आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद कुछ अदर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन का बात करें, मेनिंजाइटिस का केस आ गया, उसमें दिखेगा आपको श्रिल क्राई, इरेटेबिलिटी या सीजर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें हाई रेस्पिरेशन हो जाएगा, टैकिपनिया दिखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया दिखने को मिलेगा, या कभी कभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। जीआई के केस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीड इनटॉलरेंस, और कुछ अदर सीवियर सेप्सिस में आपको सेप्टिक शॉक्स, डीआईसी, डिसमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन और स्क्लेरेमिया। इसके केस में आपको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन दिखेगा, दिख सकता है डीआईसी में ब्लीडिंग और स्क्लेरेमिया, जनरलाइज्ड नॉन पेटिंग एडिमा। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि आपको न्यूनेटल सेप्सिस में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की। तो डायग्नोसिस में हम लोग जो बेसिकली जो पहले से जो यूज करते आ रहे हैं कंफर्मेटरी या गोल्ड स्टैंडर्ड वो है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर करते हैं तो पता लगता है वो सेप्सिस है या नहीं।
बट दिक्कत क्या है कि ब्लड कल्चर होने में जो रिजल्ट आने में जो टाइम लगता है वो 48 to 72 hours लगते हैं, जो काफी लेट हो जाता है। तो हम लोग इसके बाद फिर करना शुरू किए स्क्रीनिंग टेस्ट, या कहते हैं इसको सेप्सिस स्क्रीन। क्लियर है यहां तक? इसमें चार कंपोनेंट्स आते हैं। पहला एएनसी, या इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, जो कि 1800 लेस देन 1800 पर एमएम क्यूब होना चाहिए। एएनसी के अंदर फिर दो चीजें हम लोग को पता देखते हैं, फॉर टर्म यूनिट और फॉर वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट मतलब लेस देन 1500 ग्राम। ठीक है, फॉर टर्म यूनिट के लिए हम लोग चार्ट यूज करते हैं, मोनरो चार्ट, इससे पता लगाते हैं न्यूनेटल सेप्सिस है या नहीं। फॉर वेरी लो बर्थ वेट के लिए हम लोग यूज करते हैं चार्ट मोजिनोस चार्ट। इन दोनों चार्ट का यूज करके हम लोग पता लगाते हैं न्यूनेटल सेप्सिस का। फिर ये तो हो गया पहला। दूसरे जो कंपोनेंट है वो आईटी रेशियो, जो कि लेस जो ग्रेटर देन 0.2 होना चाहिए। थर्ड एमएसईआर, जो ग्रेटर देन होना चाहिए 15 mm, और सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो ग्रेटर देन 1 mg/dL होना चाहिए। तो इस सेप्सिस स्क्रीन में अगर इन चारों में से अगर दो पैरामीटर्स जो है पॉजिटिव हो गए तो हम लोग कहेंगे कि सेप्सिस स्क्रीन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी इसमें से कोई भी दो पैरामीटर अगर पॉजिटिव निकल गया तो हम लोग कहेंगे कि सेप्सिस पॉजिटिव है। ठीक, ये आप डायग्नोसिस के केस में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट पे कि न्यूरेटल सेप्सिस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पहला केस जो है वो सपोर्टिव केयर देते हैं हम लोग। सपोर्टिव केयर बेसिकली जितना भी न्यूरेट डिजीज है उस सब में हम लोग ये कराते ही हैं, ये सपोर्ट केयर देते ही हैं। फर्स्ट सपोर्टिव केयर में आता क्या है, निको एडमिशंस, मेंटेन यूग्लाइसेमिया, आईवी फ्लूइड देखना, मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, मेंटेन नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये कुछ पॉइंट सपोर्टिव केयर का। ट्रीटमेंट भी ये है तो हम लोग करते ही करते हैं। और स्पेसिफिक में क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेडिकेशंस हैं प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ओरल तो देंगे नहीं हम लोग, तो आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोग चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना भी डिजीज है सब में हम लोग एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं, नहीं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उस इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग को एंटीबायोटिक्स चलाना है। तो एंटीबायोटिक्स का इंडिकेशन है, इंडिकेशन में पहला अगर ईओएस का केस हो, मतलब अर्ली ऑनसेट सेप्सिस हो, तो अगर उसमें इंडिकेशन दिख रहा है फाउल स्मेलिंग लाइकर तब हम लोग चला सकते हैं, तब हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। थ्री और मोर रिस्क फैक्टर्स हो ईओएस का, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में थ्री और मोर रिस्क फैक्टर दिखे तो हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। लेस देन थ्री रिस्क फैक्टर्स प्लस क्लिनिकल फीचर्स सजेस्टिव ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस एंड पॉजिटिव सेप्सिस स्क्रीन, ये अगर इंडिकेशन दिख रहा है तब हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, या लास्ट स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन कुछ दिख रहा है तब उस वक्त हम लोग एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुआ, हम लोग बात कर रहे थे ईओएस का। अगर एलओएस का केस हो तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कोई पॉजिटिव सेप्सिस स्क्रीन है या कोई स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन है। अगर ये दोनों केस दिख रहा है तो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करेंगे। उसमें हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंजेक्शन एम्फिसिलिन और जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं, और इंजेक्शन सेफोटैक्सिन जब मेनिंजाइटिस अगर प्रेजेंट हो तो हम लोग इंजेक्शन सेफोटैक्सिन भी यूज कर सकते हैं। है क्या ये, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। तो ये कुछ बात हुआ, डिस्कस किए हम लोग ट्रीटमेंट का, न्यूरेटल सेप्सिस के ट्रीटमेंट का। हम लोग अभी देखा कि हम लोग ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक एंटीबायोटिक यूज करना है ये एविडेंस पे बेस्ड होता है। अगर सेप्सिस स्क्रीन एब्सेंट है, ब्लड कल्चर भी एब्सेंट है, मेनिंजाइटिस भी एब्सेंट है, तो उस केस में जो एंटीबायोटिक जो हम लोग चलाएंगे वो 3 days तक चलाएंगे। बट अगर सेप्सिस स्क्रीन प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, ब्लड कल्चर नेगेटिव है, मेनिंजाइटिस नेगेटिव है, तो उस वक्त हम लोग 7 to 10 days एंटीबायोटिक चलाएंगे।
अब सेप्सिस अगर प्रेजेंट हो चाहे प्रेजेंट नहीं हो, बट ब्लड कल्चर प्रेजेंट हो, मेनिंजाइटिस एब्सेंट हो, उस वक्त 2 वीक्स तक एंटीबायोटिक्स देंगे। सेप्सिस स्क्रीन प्रेजेंट हो या प्रेजेंट नहीं हो, ब्लड कल्चर प्रेजेंट हो या नहीं हो, बट मेनिंजाइटिस अगर प्रेजेंट है तो उस वक्त हम लोग के ड्यूरेशन क्या रहेगा हमारा एंटीबायोटिक्स का, 3 वीक्स रहेगा। तो ये कुछ बात हुआ एंटीबायोटिक्स का, और आज हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया न्यूनेटल सेप्सिस का। तो इस टॉपिक से कुछ भी अगर क्वेरी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही, डॉक्टर थैंक यू।